तो ये खराब आटा क्यों चला रहे हैं? ये खराब नहीं था वो थोड़ा सा, ये तीन रोटियां सबूत मेरे पास है, तीन रोटी इसमें से स्मेल आ रही है। कोई भी बंदे यहाँ पर मौजूद है ना, मैं उनको चेक करवा सकता हूँ। थोड़ा ही सारा पाँच छह रोटी पता, पाँच छह रोटियां क्यों रखी है आपने? नहीं नहीं माजरत वाली तो बात ही नहीं है ना। अब ये पाँच छह रोटी अभी पंजाब फूड अथॉरिटी को बुला लूं मैं? नहीं नहीं मेहरबानी वाली तो बात ही नहीं है ना। ये बिल्कुल खराब आटे की रोटी है ना जी, ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खराब, और इस रोटी से ना स्मेल आ रही है। और ये देखें किस तरह की रोटियां जो है यहाँ पर ये दे रहे हैं, आपको पता है कि ये कितना इसका नुकसान हो सकता है इसका? कैसी रोटी? ये रोटियों का स्मेल आ रही है इसमें, खराब आटा जो होता है ना, खराब आटा जो जाया हो जाता है। ये अभी बच्चा लेकर आया है, आप लेकर आए हो यहाँ से? जी मैं ले। कितने की लेकर आए हैं? ये तकरीबन 1200 रुपए की पड़ी होगी। 1200 रुपए? कितनी रोटियां लेकर गए हैं? 12 रोटियां। 12 रोटियां लेकर गए हैं, उसमें से कितनी रोटियां खराब थी? उसमें से तीन रोटियां खराब है। तीन रोटियां खराब आपने दी हैं, क्यों दी हैं? नहीं मुझे पता नहीं, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था। कौन खड़ा था यहाँ पे? वो चट्टू खड़े थे जो यहाँ पे रोटियां बनाते हैं। आपको पता है आप ये निजाम चला रहे हैं किधर है वो, उनको बुलवाएं जरा, उनको बुलाएं इधर, इधर आए अंकल जी बात सुने। आप होटल चला रहे हैं मुझे ये बताएं, ये मैं अभी देता हूँ आपको, आप होटल चला रहे हैं, आपको पता है ना ये कितना बड़ा नुकसान है? नुकसान है लोगों की जान भी जा सकती है। ये अगर एक आटा खराब हो गया है तो वो जान आलू तो है या नहीं है? तो फिर आप वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं नहीं पता मेरे तो इस्तेमाल। आपको पता है ये पंजाब फूड अथॉरिटी अगर चेक करे तो आपको कितना जुर्माना हो सकता है? यहाँ पे जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, पता है ना आपको? तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं नेक्स्ट टाइम की बात, इधर आए ना अंकल जी, इधर आए, अंदर आए, अंदर आए, कैमरा मैन इधर आओ, अस्सलाम वालेकुम, इधर आए, थोड़ा यहाँ पे आए, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। आप रोटियाँ लगाते हैं? आटा आप बनाते हैं? आटा वगैरह आप बनाते हैं? जी मैं बनाता हूं। तो जो आप ये आटा जो चला रहे हैं आप, तो ये खराब आटा क्यों चला रहे हैं? खराब नहीं था वो थोड़ा सा, ये तीन रोटियां सबूत मेरे पास है, तीन रोटी इसमें से स्मेल आ रही है। कोई भी बंदे यहाँ पर मौजूद है ना, मैं उनको चेक करवा सकता हूँ। उसमें होता है ना वो आटा जो खमीरा हो जाए, तो उसमें वो तो खमीरा हो जाए तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बस वो कभी थोड़ी सा नहीं, नहीं उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? पांच रोटी आप बताएं उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं इस्तेमाल होता तो फिर यहाँ पर रखा क्यों आपने? वो थोड़ा ही सारा पाँच छह रोटी पता, पाँच छह रोटियाँ क्यों रखी है आपने? नहीं नहीं माजरत वाली तो बात ही नहीं है ना। अब ये देखें कैमरा मैन दिखाई इधर सामने आए, ये देखें अब ये इसी में से जो है वो मिक्स किया हुआ था नाज़िम, देखें कि ये नाज़िम तीन रोटियां इसमें खराब थी, ये तो हमें तीन रोटियां मिली हैं, ये जो बच्चा तीन रोटियां लेकर गया है, तो उसके बावजूद ये देखें। अब मेरी बात सुने ना, आप यहाँ पे कब से खा रहे हैं? अभी खा रहे हैं, अभी खा रहे हैं, तो ये बताएंगे ये तो अभी आए हैं, वो क्या कह सकते हैं? रोटियां क्यों लगाते हैं? पाँच छह रोटी अभी पंजाब फूड अथॉरिटी को बुला लूं मैं? नहीं नहीं मेहरबानी वाली तो बात ही नहीं है ना। आप ये देखिए कि आटा कितना महंगा, अगर आप लेते हैं तो उसमें 12 रुपए की अगर लोग रोटी ले रहे हैं उसमें वो भी खराब दें तो फिर जुर्माना नहीं होना चाहिए आपको? गलती हो गई, पांच छह रोटी सुबह का था वो बस, मेरा ये सुबह वाली नहीं है, ये आटा बिल्कुल खराब है, एक दो दिन ये एक दिन तो पक्का खराब है ना इसमें। इसमें मैं आपकी मेरी बात सुने, आप नीचे आए मेरी बात सुने, ये मामला बड़ा क्रिटिकल मामला है, मुझे इस मामले का पता है, मुझे ये बताएं अंकल जी। ये देखिए ये तीन रोटियां हैं, ये खराब रोटियां चली गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं, तो आपने चेक नहीं किया या फूड अथॉरिटी के से आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाया हुआ, आपने होटल बनाया हुआ है? बिल्कुल नमाज पढ़ने के लिए आप गए, मेरी बात सुने, बात सुनो, इधर आओ, कभी इससे पहले लेंगे आप इधर आए, इधर आए, बात सुने, ये एक कस्टमर भी हमारे साथ हैं, आप बताएं आप पहले यहाँ से रोटियां लेके जाते हैं? एक दिन लेके मैंने इधर से लेके जाते हैं, इधर से लेके जाते काफी दिन, पहले इस तरह की सूरत हाल, एक दिन लेके गए थे, दो तीन रोटियां खराब निकली, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने इग्नोर किया, लेकिन दोबारा इस तरह की सूरत हाल सामने आ गई, आप क्या कहना चाहेंगे? पंजाब फूड अथॉरिटी को बुलाना चाहते हैं क्या करें? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए यार, ये तो ऐसे नहीं ना काम, देखे ना अंकल जी इस तरह की सूरत हाल, ये लोगों की जान जा सकती है तो कौन जिम्मेदार होगा वहाँ? पंजाब फूड अथॉरिटी को यार आप मुझे ये बताएं, गलती की है उन्होंने, एक बार गलती होती है, आपको कस्टमर खुद बता रहा है, मैंने नहीं कहा उसे, उसने कहा कि पहले गर्मी की वजह से आटा इसके ऊपर हो जाता है सर, कल को आपके पास रोटी इस तरह की आ जाए आपका भाई, मरले की तरह जाना पड़ता है, जैसे मरलेगा वैसे काम कराना पड़ता है।
कल को आपकी ये रोटी आपके किसी बच्चे ने खाई है, उससे नुकसान है, उसकी तबीयत खराब हो जाए, आप क्या करेंगे? उसको कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे को अल्लाह का शुक्र है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है वो बात अलग है, अगर उसके साथ अल्लाह ना करे कुछ हो तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, वो जिम्मेदार है कि ऐसी चीज होता भी नहीं यार, वैसे ड्रामे बना। एक रोटी हो ना मेरी बात से, रोटी छोटी का रोटी भाई जी, एक मिनट मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए कि तीन रोटियां हैं इसमें, रात वाली नहीं है। ये देखें आटा इन्होंने मिक्स किया, उसमें जो खराब आटा था, पांच छह पेड़े बचे थे, पांच छह पेड़े हों, ये इसका तो अब लैब में ही चेक करवाएंगे। चलिए पकड़े, कमाल की बात है। आप ये देखें कि अगर आप मोहल्ले में चला रहे हैं होटल तो उसकी जिम्मेदारी आप पे है। आप ये देखें, अगर आप जुमा पढ़ने गए हैं तो आपने वो जो शख्स रखे हुए हैं ड्यूटी पे, तो आप उन्हें समझाएं अगर खराब आटा हो गया तो उसे ना इस्तेमाल करें। बुजुर्ग हो गए हैं, उनको पता नहीं है, वो ऐसे होते ना कभी। जब कस्टमर खुद बता रहा है, मैंने उससे कहा है कि आप बताओ कब, उसने खुद बताया कि पहले एक बार हुआ है, उन्होंने इग्नोर किया। मुझे बता देते तो मैं पहले ही ये काम ना होता, पहले मुझे बता देते ना। काजी ये देख सकते हैं कि गली मोहल्ले में होटल जो बने हुए हैं उसमें किस तरह के माहौल होते हैं। आप देखें कि उन्होंने ये आटा इस्तेमाल किया, उनका कहना है कि ये जो रोटियां बनाने वाला है उसकी तरफ से ये गलती हुई है, लेकिन गलती करने का मकसद, अब कस्टमर कह रहा है कि पहले भी इस तरह की गलती हुई है। अब एक कस्टमर ने बताया, और भी कस्टमर होंगे जिन्होंने नहीं बताया होगा, इग्नोर किया होगा, लेकिन इस तरह की सूरत हाल को जो है वो सीरियसली लिया जाए, ताकि इस तरह की जो है वो नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई भी कदम ना उठाए।